गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज थोड़ा जल्दीबाजी में मुझे निकलना पड़ रहा है क्योंकि एक सेशन है जिसमें इंटर्नशिप के लिए बताएगा, तो इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा। तो मैं उठने में मुझे लेट हो गया था, तो इसलिए जल्दी जल्दी निकल रहा हूँ। और ये देखिए, मैंने जो आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे रोज़ साफ़ सफाई होता है, ग्रास कटिंग होता है, घास को काटा जाता है, तो ये देखिए इसी मशीन से कटता है। ये देख सकते हैं इसी मशीन से इसको काटा जाता है। जो भी गंदगी रहता है वो सब उसमें खींच लेता है। तो देखिए दोस्तों, आज थोड़ा साफ सफाई चल रहा है सारे जगह पे। इधर भी पीछे भी दिखाया था तो आप देख सकते हैं पूरा घास साफ हो चुका है। इधर इतना पड़ता था, सब खींच चुका है वो मशीन। और एक ये दूसरा वाला भी मशीन है, देख सकते हैं यहाँ पे जैसे घास को खींच रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये गाड़ी है वो आपके पास अगर लाइसेंस है तो आप ले सकते हैं। कॉलेज की प्रॉपर्टी है, पब्लिक के लिए, सबके लिए, तो आप यूज कर सकते हैं। तो कॉलेज छूटने के बाद मैं बाहर निकला कुछ काम से, तो मुझे एक लोकेशन ये आप लोगों को दिखानी थी। तो ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लोकेशन है, यहाँ पे बोटिंग भी हो रहा है। और तो देख सकते हैं एक खुला हुआ पुल है जो कि जब सीप आता है तो वो खुल जाता है खुद से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो स्ट्रीट है डाउनटाउन के पास का, तो कितना ज़बरदस्त है। और इधर ही एक दूसरा कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस शिकागो करके एक दूसरा कॉलेज है, तो उसी का ये एरिया है। तो ये देख सकते हैं आप। आप लोग देख सकते हैं ये एरिया काफ़ी ज़बरदस्त है। ये देखिए बस भी है यहाँ पे, और मुझे अपना काम जल्दी से निपटाना है और ताकि मैं अपना 6:30 बजे वाला क्लास ज्वाइन कर सकूं, तो मैं जल्दी से निपटाता हूं और मिलता हूं क्लास के बाद। तो दोस्तों, क्लास ख़त्म हो चुकी है आज की, और जब मैं यहां बाहर निकला तो देखा कि नाइट गेम चल रहा था कुछ फील्ड में, तो सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। ये शायद फिर फुटबॉल का गेम है ये, तो ये देखिए आप लोग भी देख सकते हैं किस तरह का ग्राउंड है। ये एंट्रेंस है यहाँ से, वो देख सकते हैं गर्ल्स का चल रहा है फुटबॉल। और एक गोल हो चुका है, तो सब ताली बजा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना जोर से विंड चल रहा है, जो विंड मिल कितना तेज़ी में घूम रहा है। तो ये शिकागो में बहुत ज़्यादा विंड चलता है। और भी देख सकते हैं आप लोग, मेरे कॉलेज का स्कोर है 12 और दूसरे कॉलेज से जो लड़कियां आई हैं उसका 0 है। तो काफ़ी बेहतरीन खेल रहे हैं मेरे कॉलेज की लड़कियाँ, तो काफ़ी बेहतरीन खेल रही है मेरे कॉलेज की लड़कियाँ। देख सकते फिर से गोल हो गया, तो 13-0 पे है और 5 मिनट अभी बचा हुआ। मैं तब से देख रहा हूँ ये गेम, और मैं एक बार भी ऐसा नहीं देखा हूँ कि उधर से बॉल किस तरफ आया भी है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि 5 मिनट में वो लोग कुछ कर पाएंगी और 13 गोल बना पाएगी, 13 से ज़्यादा या फिर 13 भी नहीं बना पाएगी। तो यही है स्कोर हमारे कॉलेज का, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है हमारे कॉलेज का। तो दोस्तों, अभी मैं घर आ गया, और क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था और मैंने खाना पीना फटाक से खा लिया है, और अब जा रहा हूँ मैं सोने के लिए ताकि कल मैं सबर साइड जा सकता हूँ। और मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कल वाला ब्लॉग में यहाँ का जो मेट्रो ट्रेन है वो कैसा है, ये सब सारी चीज़ों को कवर करूँगा। तो स्टे ट्यून्ड कल का वीडियो के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए ना आए, अगर ना आए तो मुझे बताइएगा, मैं उसे इम्प्रूव कर लूँगा, बट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर, सबा खैर, शुभ रात्रि।